ये वीडियो सीमा के अनुभव और उसकी सफलता की कहानी का छोटा सा पिटारा है। बच्चों की कहानी, बच्चों की जबानी। सचमुच अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखे हुए सबक हमें हमेशा याद रहते हैं, और अगर हम उन्हें दूसरों के साथ साझा करते हुए आगे बढ़ें तो वो एक ना मिटने वाली छाप दिलों पर छोड़ जाते हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस देश में सीमा जैसे करोड़ों बच्चे हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी कामयाबी हासिल करते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो चुनौतियों से हार जाते हैं। पहले मैं इनके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। आइए देखते हैं सीमा की सक्सेस स्टोरी, कैसे चुनौतियों से उसने सामना किया। मेरा नाम हम क्लास के स्टूडेंट से लास्ट ईयर के एंड हम टॉपर भी हैं, जैसे कि मैं हिंदी की टॉपर हूं, हूं नंबर 1 स्कूल एंड आई एम टॉपर ऑफ इकोनॉमिक्स इन माय क्लास लेवल एंड शी इज द टॉपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद 95% एंड शी इज द टॉपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद 90%। अब मैं आप सभी को अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी जो मैंने पूरे 12th क्लास में खुद फेस किया है, और आज से 12th क्लास मेरा निकल गया है, मैं कॉलेज लाइफ फेस कर रही हूं। तो कैसा लग रहा है, मुझे क्या करना था, क्या क्या नहीं करना चाहिए था, अब मुझे रियलाइज होता है। एंड एक बात आती है कि आई विश 12th क्लास की स्टार्टिंग में मेरे पास में पता चल चुकी होती तो शायद आज इस चीज पर ना होती। सो जैसे कि सब आप ये कहते हैं कि हाँ टॉपर बनना बहुत मुश्किल है, टॉपर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, इट्स नथिंग। मैं कहना चाहूँगी टॉपर बनना इज द ईजिएस्ट वर्क इन लाइफ, क्योंकि यार तुम पढ़ाई तो कर रहे हो पर तुम्हारी जो पेट हो गया था आगे पसीने छूट रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तुम्हें जस्ट पढ़ना है, पढ़ना सबसे ईजिएस्ट काम है। जस्ट तुम्हें पढ़ना है, पढ़ने को अपना फ्रेंड बनाओ। 12th क्लास में अगर सिर्फ 12th क्लास में अगर तुमने इस बुक को अपना सबसे बड़ा साथी मान लिया ना, जब तुम 12th क्लास से निकलोगे ना सुकून मिलेगा, मतलब उसके लिए कोई स्पीचलेस वो वर्ड होता है। अब मैं अपनी स्पीच स्टार्ट करूँगी एक फ्वार से, मैंने खुद बनाई है। नया सा सफर है, नई सी उमंग है, नया सा सफर है, नई सी उमंग है। 12th क्लास सक्सेस के साथ साथ जिंदगी को देखिए एक नया रंग। मैं अपने की अगर आप सब पढ़ रहे हो तो मोर देन मोर कोशिश करो कि आप उसे ना स्पेस कर पाओ लोगों के सामने। हमारे 12th क्लास में मैम है, मैम हमेशा कहती थी कि सीमा बताओ, अर्पिता बताओ, पायरा बताओ, क्योंकि वो जानती थी कि जितना हम अपना नॉलेज वास्ट करेंगे, जितना हम बताएंगे, उतना ही हमारा डिवाइस होता चला जाएगा। सो अगर आप सबको मौका मिले पढ़ाने का 12th क्लास को, 11th क्लास को, जस्ट डू इट एंड स्पेशली 12th क्लास। अभी तो आप 12th में हो, 12th क्लास को पढ़ो। इकोनॉमिक्स वाली मैम ने, पॉलिटिकल वाली मैम ने, सभी ने उसको बहुत ट्रस्ट किया, और मेरे पॉलिटिकल में 87 और इकोनॉमिक्स में 87 और इकोनॉमिक्स टॉपर थी 12th क्लास में। जब की मार्क्स आई तो मतलब देखते ही मुझे शॉक लगा, 87 क्या क्या बच्चों को खुशी होती है, 87 आ गए, 87 हो गया, दैट इज गुड इनफ। लेकिन 87 कैसे आ गए, बट मैं हिंदी का देखकर शॉक हो गई थी कि ओ माय गॉड कैसे आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा शॉक थी हिंदी को देखकर कि मेरे 96 कैसे आ गए, क्योंकि मैं हमेशा हिंदी में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। सो इन सबके चलते मैंने पूरी स्टडी की, स्टडी के साथ साथ पूरा अपना हर लाइफ इंजॉय किया, कुछ भी नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से कुछ ना छोड़ना क्या होता है लाइफ में, कुछ पाना है ना उसके अनुसार करना होता है। जो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ना, इसकी वजह से मेरे टॉप फॉर मेरी जो रिजल्ट बनी स्कूल की वो 85.5 बनी, जो टॉप फॉर बनी इसकी बेस पर जो कॉलेज में एडमिशन होता है 89.5 बनी। 89.5 मीन्स मैं एक हाई नंबर से 90+ चल रही थी, हाई नंबर। तुमसे तो बहुत नॉर्मल से लग रहा बट हाई नंबर, तुम्हें नहीं पता 0.5 से जो पीछे होता है ना, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक आधे हाई नंबर से, आधे परसेंट से एक टॉप एवरेज से रह गई 90+ चल रही थी। तो तुम्हारी छोटी पता चल गया, मैं तो हैप्पी थी पूरी यार कि मैंने ये किया, वो किया, उसके साथ मेरी स्टडी हो गई, बट आई वाज रॉन्ग। ये सब करने के साथ साथ मैंने ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मैंने शोज को दिया, मैंने उन शोज को दिया जिनकी स्टार्ट कर दी, ओह माय गॉड उसमें इसे छोड़ कर क्या होगा, ये चल रहा था मेरे माइंड में। सो ये सब चीज़ें छोड़ के अगर मैंने देखा अपने कितना कुछ किया था, मैं डेली मैंने कितनी मस्तियाँ की, सब कुछ किया, इनमें से कुछ मस्तियाँ अगर छोड़ कर तुम सब कुछ करो पूरे दिन जो भी इंजॉय कराना था करो, बट पढ़ाई को सबसे पहली प्रायोरिटी दो। और मेरी प्रायोरिटी बन चुकी थी शो, शो जाने और उस सिलसिला भी खत्म, वो प्रेरणा वगैरह भी छट गए, और मैं आज मैं देखो बिजी कितनी हो चुकी हूँ, आज मैं इतनी बिजी हो चुकी हूँ कि यही बिजी अगर मैंने 12th में होती ना, डेफिनेटली मुझे इतना पता है मैं टॉपर होती इंडिया। इतना ज़्यादा पढ़ना, इतना
इतना ज्यादा इतनी मेहनत किया, मैंने ज्यादा नहीं किया, किसने इतना मेहनत किया, क्या तुम देख सकते हो? जिसने पढ़ाया था उसकी 87 है, जिसने पढ़ा था उसकी 93। तो जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सोच रहे कि मैं कर क्या सकती हूँ, मैं तो इतनी वीक, मैं कैसे कर लूँगी। दिस इज द बिगेस्ट एंड बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे घर में, खुद लेबर से 15 दिन का खाना भी बनाना पड़ता था हमें, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ जहाँ पर मेरे मम्मी पापा अवेयर भी नहीं थे मेरी पढ़ाई के पीछे। अगर लाइक जैसे कि तुम्हारा रिजल्ट आया तो मेरे पापा ने ये भी नहीं पूछा कि हाँ मेरी मार्क्स कितने आए। सो आपसे पता ये सोचो कि मेरी मम्मी पापा अवेयर नहीं है, मेरी फैमिली अवेयर नहीं है, मेरे बारे में सिर्फ ये भी मेरी एटलीस्ट बहुत बहुत बेकार एक्सक्यूज है, क्योंकि पढ़ना होता है ना उसी सारे एक्सक्यूजेस बिल्कुल माइंड में आते हैं। पूरे प्रतिक्रम में सब कुछ किया मुझे, और इन सबके साथ साथ मैंने एक चीज बिल्कुल नहीं छोड़ी, ये बिल्कुल भी नहीं होता था। जब मैं 1 आवर देती थी ना, तो मैं 1 आवर पूरी तरह अपनी स्टडी में देती थी, इस प्रकार से मैं अपना काम करती थी। घंटा जो होता था 10 to 12 मैं स्टडी करती थी, फिर से 10 to 12 मेरा यह रहता था कि मैं पूरा दिन बच्चों को देती हूँ, जिससे मेरा रिजल्ट होता है, मैं जो कर चुकी हूँ रिवाइज करती हूँ, बट मुझे कुछ नया करना होता था। जो भी टाइम करते हो ना, सोते हो दैट इज मोर इनफ। अगर तुम 12 बजे सोते हो, सुबह 6 बजे उठ जाते हो, डिसिप्लिन हो जाता है, अगर मम्मी पापा की लड़ाई होगी कि मैंने सोचा कि पढ़ूंगी, तो पता है रात की लड़ाई होगी, सुबह देखो मम्मी पापा बात करेंगे, तब गुस्सा है, मैंने रात को पढ़ाई भी नहीं किया। मम्मी पापा तो अब एक हो गए, देखो हमारी पढ़ाई वेस्ट करवा दी, और तब अच्छे से अपना एक होकर बात कर रहे हैं। सो पूरे ईयर तुम्हें यही रखना है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जो भी है, इस सब पीछे छूट जाएगा। सामना करते हुए विकट परिस्थितियों में ट्यूशंस पढ़ाकर सीमा ने पढ़ाई की और कामयाबी हासिल की। ऐसे बच्चों को अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल सैल्यूट करता है और अन्य बच्चों को भी इनसे सीखने की सलाह देता है। इनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बने, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।